हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रभात यादव CITS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से नई सीरीज के साथ आ गए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4, 6 और 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और उन्हें 200 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज पात कितना होगा? तो फ्रेंड्स, जो इसमें कह रहा है कि 4, 6 और 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े जाते हैं, तो दोस्तों इसमें दिया है, अगर बात करें हम R1 की वैल्यू 4, R2 की वैल्यू 6 और R3 की वैल्यू कितना है? 10 है। फ्रेंड्स, बात करें अगर तो दो अगर हम यहाँ से बात करें जो सूत्र होता है सीरीज का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। दोस्तों, अब क्या करेंगे, टोटल R निकालेंगे तो हम जोड़ देंगे क्या 4 प्लस 6 प्लस 10। दोस्तों, जोड़ेंगे कितना आएगा, टोटल 20 ओम आएगा। कितना? 20 ओम। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठीक है। और कह रहा है कि दोस्तों वोल्टेज कितना दिया है, V बराबर दिया है 200 वोल्ट। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से धारा I निकालें, I बराबर होगा 200/20। दोस्तों, काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। धारा कितना आया, 10 एम्पियर आया। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, किस पे पूछ रहा है, 4 ओम पर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, 4 ओम पर जब पूछ रहा है हम क्या करेंगे, V बराबर हम जानते हैं I × R। तो I की वैल्यू क्या है, आया है 10 और R की वैल्यू क्या आया है, 4। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 वोल्ट। तो दोस्तों कितना आया, 40 वोल्ट। वोल्टेज पाथ जो आया है कितना आया है, 40 वोल्ट। तो दोस्तों वी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आगे बात करें दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2 ओम 3 ओम के क्रमशः 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि R1/RT बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। तो दोस्तों इस पर रखेंगे 1/2 + 1/3। तो दोस्तों LCM निकालेंगे कितना आएगा, 6। तो करेंगे 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6 होगा 5/6। दोस्तों ये क्या आ रहा है, 1/RT की वैल्यू है। क्या है, 1/RT की वैल्यू। दोस्तों RT की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 6/5। तो उत्तर क्या आएगा दोस्तों, उत्तर जब भाग देंगे तो दोस्तों 1.2 ओम आएगा। कितना, 1.2 ओम। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है। क्या, सी ऑप्शन सही है, 2 में C ऑप्शन दोस्तों सही है। फ्रेंड्स, आगे चलें। आगे कह रहा है, आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। दोस्तों जो द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच होता है, निम्नलिखित किसका कनेक्शन नियंत्रित करता है, तो वो दोस्तों किसका करता है, एक तार के दो स्थिति में, क्या, एक तार को दो स्थितियों में कंट्रोल करता है। तो दोस्तों 3 में B ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, बात करें आगे, तो आगे कह रहा है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है। दोस्तों, चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो स्लो के द्वारा, मतलब स्लो। 4 में दोस्तों डी ऑप्शन सही है, स्लो के द्वारा। फ्रेंड्स, आगे बात करें 5 में 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर में लगाई गई हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि समांतर में क्या होता है, समांतर में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। और अगर बात करें सीरीज में, तो दोस्तों सीरीज में क्या होते हैं, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों समांतर में पूछा है तो वोल्टेज क्या है, समान होता है।
तो दोस्तों 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। फ्रेंड्स आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वोल्टाइक अथवा लैक्रांची सेल में 5-2 इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब वोल्टाइक सेल और लैक्रांची सेल में 5-2 इलेक्ट्रोड के चारों तरफ हाइड्रोजन एकत्रित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, ध्रुव छादन, बी ऑप्शन दोस्तों सही है, ध्रुव छादन कहलाता है। फ्रेंड्स बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व होता है। दोस्तों जो एक संचायक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो दोस्तों उसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो 1.250 से 1.28 तक होता है, तो बी ऑप्शन दोस्तों सही है। फ्रेंड्स बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन का था विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। दोस्तों जो विद्युत की चुंबक होती है उसकी सामर्थ्य को हम लोग कैसे परिवर्तित करते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसमें करंट, केवल करंट में परिवर्तित द्वारा, करंट केवल वाइंडिंग के टर्नों में परिवर्तन द्वारा, या तो करंट परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग में परिवर्तन द्वारा, केवल वोल्टेज में परिवर्तन द्वारा। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, या तो करंट में परिवर्तन कर दें या वाइंडिंग में। तो दोस्तों 8 में सी ऑप्शन सही है। बात करें दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। दोस्तों किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, वो होता है अवरक्त किरण। क्या दोस्तों, अवरक्त किरण, पहला ऑप्शन सही है। बात करें दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या करोड़ की लंबाई दोगुनी, दोनों ही दोगुनी कर दिया जाए तो स्वप्रेरक होगा, जो हो जाएगा। तो दोस्तों जो स्वप्रेरक हो जाएगा वो, उसमें देखते हैं हम स्वप्रेरक का जो फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, L=μ0 μ0 μr एन स्क्वायर ए होता है, बटे एल होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें एल बटे L1 L2 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों N1 बटे N2 का, इसका स्क्वायर बराबर L² बटे L1 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे इसी में हल करें, तो आगे क्या कह रहा है, आगे दोस्तों इसमें हो जाएगा, अगर इसके इक्वल टू करें तो हो जाएगा N² 2N N/2N² बराबर 2L/L। दोस्तों इसको जब काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, L2=2L1, मतलब दो गुना हो रहा है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है। क्या दोस्तों, सी ऑप्शन 10 में सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन MCQ जो थे ये आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।